क्षेत्र में यहाँ पर ये मुठभेड़ हुई है, क्या है सर पूरा मामला? आज सुबह ये थाना बनियाठेर के अंतर्गत कोकावास पुल के पास में ये दो बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में ये घायल हुए हैं। इनके पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही थी। इस क्षेत्र में कुछ गोकशी की घटनाएं इन दोनों इसके ग्रुप के द्वारा की गई थी, तो उसमें ये दोनों भी शामिल थे। इनके जब इनकी रैकी की गई तो इनको रोका गया, तो इनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करके भागने की कोशिश की गई, तो जवाबी कार्रवाई में इन दोनों के पैर में गोली लगी। एक कांस्टेबल के भी घायल हुआ है। जो दोनों बदमाश गिरफ्तार हैं, इनके नाम बिलाल और गुलाम हैं। ये दोनों कुंदरकी थाना क्षेत्र मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध कुंदरकी और बिलारी थानों में पहले से भी काफ़ी पंजीकृत अभियुक्त हैं। इनकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। इन्होंने हमारे क्षेत्र में भी 3 ऐसी घटनाओं को करना स्वीकार किया है। इनके 3 साथी अभी मुठभेड़ के दौरान जिसमें खेत में भागने में सफल रहे, उनकी कॉम्बिंग की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इन दोनों के विरुद्ध ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। तो ये जो जिस टीम ने वर्कआउट किया है, थाना बनियाठेर की टीम और SOG की टीम के द्वारा ये किया गया है, इनको ये पुरस्कार की राशि दी जाएगी। इनके पास से एक गाड़ी जो आप लोग देख रहे हैं, लग्जरी कार है, इसके पीछे डिग्गी में एक बछड़ा जो अभी जिंदा है, इसको बरामद किया गया है। और साथ में इनके 2 अवैध शस्त्र यहाँ घटनास्थल से मिले हैं, और इनके जो गोकशी में हथियार प्रयोग किए जाते हैं उनका भी कई सारे सामान यहाँ पर मिले हैं। विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है, कॉम्बिंग की जा रही है, इसके बाद जो विस्तृत सूचना होगी आप लोगों को।